हेलो गाइस, रूही शपथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं रूही। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कमला दास के बारे में। कमला दास का सफर 1934 से लेकर 2009 तक चला है। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने पोयम और स्टोरीज को दो भाषाओं में लिखा है। इनका जो आत्मकथा है वो पूरे विश्व में तहलका मचा के रखा है। पूरे विश्व भर में इनका जो शॉर्ट स्टोरीज और जो पोयम रहते थे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। और इन्होंने 65 के एज में इस्लाम भी कबूल किया। क्यों किया, इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, इनकी बायोग्राफी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और जानते हैं आज कमला दास के बारे में। ओके फ्रेंड्स, गाइस, कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में मालाबार डिस्ट्रिक्ट इंडिया में हुआ था। उस समय ब्रिटिश लोग का हुकूमत चलता था इंडिया में। अब है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो केरला के हिस्सा में आता है। इनकी मदर का नाम नालापत बालमणि अम्मा था। ये पोएस्ट ऑफ मदरहुड के नाम से जानी जाती थी। मलयालम की काफ़ी फेमस पोएस्ट रह चुकी हैं। इनके फादर का नाम वी एम नायर, मैनेजरिंग डायरेक्टर ऑफ मातृभूमि। मातृभूमि जो है वो केरला में चलने वाली न्यूज़पेपर का नाम है जो मलयालम भाषा में आती थी। इनके ग्रेट अंकल नालापत नारायण मेनन, ये मलयालम के काफ़ी बड़े ऑथर में से एक हैं। इनका फैमिली लिटरली बैकग्राउंड से आता है। ये अपने अंकल को देखकर अपने इंटरेस्ट को पोएट्री की तरफ बढ़ाई और शॉर्ट स्टोरीज लिखना ये अपनी मदर से सीखी। अपने अंकल को देख के इनकरेज हुई। इनका 6 साल केरला में बीता और वो अपने फादर और मदर के साथ कोलकाता में शिफ्ट हो गईं, क्योंकि उनके फादर जो है वो कोलकाता में जॉब करने लगे थे। 15 साल के उम्र में इनकी शादी करवा दी गई माधव दास के साथ, जो आरबीआई ऑफिसर थे। वो अपने हस्बैंड के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। कमला दास के हस्बैंड ने कभी भी कमला दास को किसी चीज़ के लिए पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने कमला दास का हर एक शौक, हर एक ड्रीम को पूरा किया। उनकी पढ़ाई को जारी रखी। उन शादी के बाद उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हुई और वो अपने इस कला को आगे तक बढ़ाती गई। कमला दास के 3 बेटे थे, माधव दास, नालापत दूसरा, चीनन दास और तीसरा जय सूर्यदास। गाइस, कमला दास के 3 नाम थे, माधवी कुट्टी, कमला दास और कमला सुरैया। एक और नाम था आमनी। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में माय स्टोरी जो लिखा है उसमें इन्होंने अपने नाम के जगह पे आमनी का यूज़ किया है, मतलब कि इनका एक और नाम आमनी है। माधवी कुट्टी इनका नाम कैसे पड़ा, कमला दास कैसे पड़ा और कमला सुरैया कैसे पड़ा, चलिए ये हम जानते हैं। इंग्लिश पोयम को इन्होंने कमला दास के नाम से पब्लिश कराती थी, जो नाम इनको शादी के बाद मिली। माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने अपने मलयालम शॉर्ट स्टोरीज़ को पब्लिश करवाती थी, जो इनका बचपन से नाम था। और कमला सुरैया इन्होंने तब रखा था जब इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया था 65 के एज में। फ्रेंड्स, मलयालम में ये अपने शॉर्ट स्टोरीज को लिखा करती थी और इंग्लिश में अपने पोयम को इन्होंने लिखा है। इनका फर्स्ट पोयम का नाम था समर इन कलकत्ता, जो 1965 में लिखा था इन्होंने। फिर इन्होंने द डिसेंडेंट्स लिखा 1967 में। फिर इन्होंने अल्फाबेट ऑफ लस्ट लिखा 1976 में। ये एक नॉवेल है। फिर इन्होंने ऑटोबायोग्राफी माय स्टोरी लिखा 1976 में, जिसमें इन्होंने होमोसेक्सुअली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लवलेस अरेंज मैरिज, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, इन जैसे टॉपिक पे इन्होंने काफ़ी बातें की, एकदम खुलकर बताया। इनकी कंट्रोवर्सियल क्वालिटी इनकी फेमस होने की वजह हुई थी। ये इतनी फेमस हो गई कि 15 लैंग्वेजेस में इनके शॉर्ट स्टोरीज़ को ट्रांसलेशन कराया गया। इनका कहना था कि पोएट्री डजंट सेल इन दिस कंट्री, इस कंट्री में पोएट्री बिक नहीं सकती। इसलिए इन्होंने न्यूज़पेपर में सबसे पहले कॉलम लिखना शुरू किया, जिससे इन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी और इनके कॉलम काफ़ी फेमस हुआ करती थी। इनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया और 1963 में PEN एशियन पोएट्री प्राइज मिला। इनके लास्ट बुक का नाम द केप वीमेन एंड अदर्स स्टोरी था। इनके हस्बैंड का देहांत 1999 में हो जाता है और 1999 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया।
इन्होंने अनाउंस किया कि ये अपने लवर से शादी करेंगी। उनका नाम था अब्दुल समद समदानी। वो पॉलिटिक्स थे जो दो बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। इनका उम्र 40 वर्ष था और कमला दास का उस वक्त उम्र 65 हो रही थी। मीन्स कि ये दोनों के बीच में 25 साल का फासला था। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया बट उनकी शादी नहीं हो पाई। जब उनकी शादी ना हो पाई तो कमला दास को बहुत ही बुरा लगा और वो अपने धर्म को फिर से चेंज करना चाह रही थी। तो जो उनका बेटा था MD नालपत, मीन्स कि माधव दास नालपत, उसने कहा कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो लोग कहेंगे कि आपने धर्म को मजाक समझा है, लोग आपको टारगेट करेंगे। गाइस, कमला दास का एक फेमस लाइन है, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। मतलब कि मैं 3 भाषाओं में बोलती हूँ, 2 भाषा में लिखती हूँ और 1 भाषा में मैं सपने देखती हूँ। 75 के एज में 31 मई 2009 में पुणे के हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बॉडी को केरला ले जाकर तिरुवनंतपुरम के जामा मस्जिद में दफनाया गया। और इसी के साथ आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप गाइज आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके लाजमी बताएं और एक लाइक ज़रूर करें।